तो कैसे हैं आप सब? इस वीक मैं बटरफ्लाई किक सीख रहा था। एक सेकेंड, पहले दिखा देता हूँ कि बटरफ्लाई किक होती क्या है। ओ तेरी, क्या हो पाएगा? क्या मेरे से हो पाएगा? लेट्स ट्राई, देखते हैं कितने समय में सीख लेता हूँ। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। पहले तो मैं डायरेक्टली किक मार रहा था अपने राइट से, बिकॉज आई एम राइटी। जैसे मैं 540 किक ट्राई की थी, वैसे ही मैं ये भी ट्राई कर रहा था, बट जो कि पूरा ही गलत है। पहले तो मैं नॉर्मली ट्राई कर रहा था, जो कि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि यहाँ तुम्हें अपने पैर के अपर साइड को नीचे रखना होता है ताकि तुम्हारा स्विंग अच्छा हो। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए थे मेरी प्रैक्टिस को। फिर YouTube ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मुझे पता चला कि पहली पोजीशन तुम्हारी ऐसे आती है। यहाँ पे तुम्हें एक हिसाब से ग्राउंड को अपने हैंड से टच करना होता है लिटिल बिट। अगर नहीं भी करोगे चलेगा। वहाँ पे फिर स्विंग। तो स्विंग गेन करने के लिए मैं खुले मैदान में चला गया और जहाँ पे मैंने अपनी लेग्स अच्छे से स्ट्रेच की। दिस इज बी ट्विस्ट। बी ट्विस्ट से तुम्हारे स्विंग में काफी हेल्प मिलेगी। जब तुम स्विंग कर रहे हो, तुम्हारी जो लेफ्ट लेग है ये ऊपर उठने वाली है, तो इसे ट्राई करो कि जितना जितना ज्यादा हो सके इसे पुश करो। जितनी ये हाइट गेन करेगी उतनी तुम्हारी बटरफ्लाई किक अच्छी होगी। द मोर यू अर्न द मोर यू लर्न, रिमेंबर। मुझे रिजल्ट्स तो मिल रहे थे बट लेफ्ट से ट्राई करना वाज अ बेवकूफी। दिस इज बिकॉज आई एम राइटी यार। इसी दौरान मेरे अंदर की आत्मा जाग रही थी और उसने भी मुझसे कहा चल प्रैक्टिस कर। सब तो सही चल रहा था लेकिन मुझे अपने होप में हाइट लानी थी, जो कि मेरे रोटेशन में भी हेल्प करेगा। लेकिन जैसे ही मैं होप में हाइट गेन कर रहा था तो गिरने के बाद मुझे करंट महसूस हो रही थी। बहुत सारे राउंड्स मारने के बाद मेरा सर घूम रहा था ट्विन 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 ट्विन। अपनी मिस्टेक्स को देखने के लिए मैं अपनी वीडियोस को देख रहा था ताकि मुझे समझ में आए कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक कैमरा मिल गया, घर भी पड़ा था, तो मैंने सोचा इसी कैमरा से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। बट उस कैमरा की पिक्चर क्वालिटी। फ्री एडवाइस, किसी भी कैमरा को यूज़ करने से पहले देख लेना क्या वो वीडियोस अच्छे उठा भी पाता है कि नहीं। प्लीज़ यार, अब थोड़ा सा तो बियर कर लो। पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है बट कंटेंट की क्वालिटी ज़बरदस्त है, वो आपको भी पता है। इस हिसाब पे एक लाइक तो बनती है। फिर मैंने जाना कि मैं इस तरफ से ट्राई कर रहा था, क्यों ना मैं यहाँ से ट्राई करूँ। और हाँ, साइड से मेरे स्विंग में एकदम से पावर आ गया एंड फाइनली दिस इज माइन। तुम्हारी स्विंग की पोजीशन, तुम्हारा सेमी सर्कल, तुम्हारा होप, उसमें हाइट प्लस प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू बटरफ्लाई किक। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम उसे बार बार ट्राई करते हैं क्योंकि उसे करने में बहुत ही मज़ा आता है यार। क्यों, सही कहा ना? हो, यही था मेरा, यही थी मेरी इसकी जर्नी बटरफ्लाई किक की, वो भी कुछ घंटों में। मैंने कितनी स्किल सीखी? इतनी सीखी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें, दिल से खुशी मिलती है, कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहोगे तो यहाँ या यहाँ, दोनों जगहों पे मेरी वीडियोस दिख रहे होंगे, आप उन पे क्लिक करके देख सकते हो कि मैंने ये कैसे सीखे, आप भी सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।